अल मदीना रेस्टोरेंट एंड पकवान सेंटर। यहाँ की बिरयानी और पुलाव बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसका एड्रेस है मेट्रोविल फैज रमान अस्पताल रोड मास्टर CNG के सामने। और यहाँ के पुलाव दूर दूर से लोग ट्राई करने आते हैं क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे ये बीफ पुलाव किस तरह से तैयार की जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वक्त पर। उस्ताद, आपको कितना साल हो गया इस काम में? काम में तकरीबन 18 साल उम्र में शुरू किया था ये काम। 18 साल की उम्र में ये काम शुरू किया था। और कितना साल हो गया है? तकरीबन हमारा 30 साल उम्र है। 12 साल से आप ये पुलाव बना रहे हैं आप जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये रेसिपी हमें दे रहे हैं। और शुक्रिया तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया कि आप हमें ये रेसिपी दे रहे हैं। सही है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? फूल बादियान। बादियान का फूल है ये हमारा बीफ का मसाला है 7 किलो का। बीफ पुलाव के 7 किलो में। हाँ। ये कितना ग्राम होगा? ये तकरीबन 30 ग्राम होगा। 30 ग्राम, ठीक है। और ये दालचीनी है। दालचीनी तकरीबन 5 से 6 टेस्ट। ये लौंग है। लौंग जो है इसके अंदर जो है वो तकरीबन 15 से 20 दाने। हाँ। और ये काली मिर्च है। काली मिर्च इसमें तकरीबन 15 से 20 दाने। ये छोटी इलायची है सफेद वाली। ये छोटी इलायची जो है इसके अंदर ऐड करना है। ये कितना है? ये 8-10 दाने। 8-10 दाने इसमें। ये बड़ी इलायची है। ये बड़ी इलायची है। ये कितने हैं? ये भी 8-10 दाने। ये भी। इसके बाद आपने यहाँ पे सॉल्ट यानी नमक ऐड करना है। नमक आप हमेशा एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक मुट्ठी नमक लिया है। मुट्ठी के हिसाब से डालते हैं। जीरा जो है वो 3 मुट्ठी। हाँ। अभी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर यहाँ पे ऐड करना है 1 चम्मच। 1 स्पून आधा 1.5 स्पून है ये। ये बीफ मसाला है तो हम हल्दी कम, बीफ मसाले में हल्दी कम है ये 1 टेबल स्पून के करीब होगा। 1/2 टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून। ये बीफ पुलाव बनाने जा रहे हैं। ये हमारा गोश्त आ गया। ये बीफ ऐड करना है। कितना किलो बीफ होगा ये? 5 किलो बीफ। और ये इसका ये बॉयल क्या हुआ है? ये उबाइल किया हुआ। बॉयल किया हुआ है। किस किस मसाले के साथ बॉयल किया है? ये खाली पानी में उबाइल। खाली पानी में बॉयल हुआ है बस। ये पानी का गोश्त का अपना पानी है। गोश्त का जो अपना पानी है जो यखनी जो बीफ का बन चुका है वो इसके अंदर ऐड कर देना। और बॉयल जो कि आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना है, उसी को यूज़ करना है। इसके बाद हम ये बीफ का मसाला है। मसाला जो है वो ऐड करना हमने बीफ का, जो कि हमने पहले आपको बताया। ये ऑयल इसमें आधा कुकिंग ऑयल ऐड करना है। आप जब हरी मिर्च जिसके अंदर ऐड करना है, एक बॉल टमाटर, एक बॉल ऐड करना है, 1 चम्मच लहसुन, 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तो क्या हो गया? ठीक है। चम्मच मारा है चूल्हे। कितना देर के लिए इसको बना पकाना है? इसको एक बॉयल के लिए। एक बॉयल के लिए दही इसमें डाला है। एक बॉल योगर्ट 250 ग्राम। वो 4 पत्ते कड़ी पत्ता भी, कड़ी पत्ते के जो है 4 से 5 पत्ते। ये हमारा बीफ का मसाला बन रहा है। बीफ पुलाव का मसाला है। हाँ। क्या है ये? ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर ऐड करना है इसमें। और ये जावित्री है। जावित्री इसके अंदर ऐड किया है। और ये काली मिर्च 1 मुट्ठी। काली मिर्च कुछ ऊपर, ये 1.5 मुट्ठी तकरीबन है। हाँ। ये सौंफ धनिया है साबुत वाला। सौंफ
जो है वो धनिया साबित वाला, ये कश्मीरी जीरा है, कश्मीरी जीरा इसके अंदर आपके, ये पिसा हुआ लौंग है, पिसा हुआ लौंग इसके अंदर ऐड करना, ये जायफल है, जायफल इसके अंदर ऐड करना है, जायफल का पाउडर, ये बीफ पुलाव, ये बीफ पुलाव का है, ये हमने मिक्स करना है, ये मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें ऐड करना है। एक मुट्ठी आलू बुखारा ऐड करना है, बीफ पुलाव में एक कौरमा मसाला बीफ पुलाव में एक पैकेट ऐड करना है और ये है 250 ग्राम, ये ब्राउन प्याज है, ब्राउन प्याज जो है ये ऐड करना है, ब्राउन अनियन ये एक पाव है, ये एक पाव है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल, गर्म पानी इसमें डालना है ग्रेवी ऐड करने के लिए, चलाना है के बाद चम्मच चलाना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, दस मिनट के लिए मजीद जोश देना है इसको, 10 मिनट के लिए, दोबारा चलाना है, दोबारा चलाना है और टेस्ट चेक करना, दो गड्डी धनिया डाल रहे हैं, दो पुदीना भी इसमें, दो गड्डी धनिया, दो गड्डी पुदीना, 7 किलो चावल है, बॉयल किया हुआ चावल है, आपने बॉयल कर लेना, 7 किलो बासमती चावल है ये, और जो मसाले इसके हैं वो 7 किलो चावल के मुताबिक है सारे मसाले, सवा लीटर कुकिंग ऑयल इसके अंदर, ये केवड़ा जो है खुशबू के लिए आता है, ये ऐड करना है यहाँ पर,